नमस्कार दोस्तों, उस दिन मैंने आपको बोला था कि मैं वो गूगल पिक्सल एक्सेल का रिव्यू करने वाला हूँ, तो उस दिन कुछ कारण की वजह से रिव्यू हो नहीं पाया था, शायद चार्ज नहीं था बैटरी पे। तो आज सोचा कि फ़ोन को दो तीन दिन यूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको रिव्यू शेयर करता हूँ। इससे क्या होगा कि आपको भी बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा और मुझे भी बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। सो आज करने वाला हूँ गूगल पिक्सल एक्सेल का फुल रिव्यू, उसकी बैटरी के स्पेसिफिकेशंस, उसका सॉफ्टवेयर, उसका एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन दिया है, और उसके साथ साथ उसका कैमरा का भी टेस्ट लेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जो पिक्सल एक्सेल खरीदना चाहता है। तो दोस्तों जिन लोगों ने हमारा वीडियो का पार्ट वन नहीं देखा, पार्ट वन में था गूगल पिक्सल एक्सेल का अनबॉक्सिंग, तो जिन लोगों ने अभी तक वो अनबॉक्सिंग मिस कर गए उन लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, क्लिक करके डायरेक्टली आप ये वीडियो देख सकते हैं, अनबॉक्सिंग का वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट टू पुराना वीडियो का, आज करेंगे गूगल पिक्सल एक्सेल का रिव्यू। चलिए शुरू करते हैं। मैंने पुराना वीडियो पे जहाँ पे छोड़ के गया था कि ये वीडियो का, ये फोन का रिव्यू करने वाला था, लेकिन चार्ज ना होने के कारण से मैं उस टाइम रिव्यू नहीं कर पाया था। अभी क्या है कि मैं पूरा चार्ज करके रखा हूँ आप लोगों के रिव्यू शेयर करने के लिए। और सच्ची बात बताऊँ, दो तीन दिन मैं यूज़ किया इसको, मेरा मन भर गया, बहुत बहुत अच्छा लगा सच्ची में। ये सेट जो है ना एकदम मक्खन, एकदम इसका प्रोसेसर जो है एकदम मक्खन जैसा प्रोसेसर है इसका। इसका स्नैपड्रैगन 821 का प्रोसेसर है, जो जिसमें आप कोई भी गेम बिना बफरिंग के चलेगा। और दूसरे बात आता है इसका बैटरी, इसका बैटरी तो लाजवाब है, लेकिन हालांकि 3400 mAh का है, लिथियम आयन बैटरी है और नॉन रिव्यूएबल है, इसको निकाल भी नहीं सकते, नॉन रिव्यूएबल बैटरी। और ये बैटरी का बैकअप इसकी इमेज के हिसाब से बहुत अच्छा दिया है, क्योंकि हम कभी बार देखते हैं कि इमेज बहुत ज़्यादा होता है लेकिन बैटरी बैकअप उतना नहीं रहता है। लेकिन इस फ़ोन में दोस्तों 3400 mAh के बैटरी में बहुत अच्छा बैटरी मिला है, क्योंकि कम से कम आप अगर 100% चार्ज कर लो, ठीक है, तो अगर आप, मैं मान लेता हूँ कि ज़्यादा गेम नहीं खेलते हो, यूट्यूब देखते हो, कम से कम आपको 4 से 5 घंटा चल जाएगा इसी बैटरी के हिसाब से। सो दूसरा आता है इसका प्रोसेसर और इसका रैम और रोम। इसका रैम जो है अभी 4GB का रैम है, लेकिन ये जैसे मैंने बोला है कि गूगल का प्रोडक्ट है, 70,000 इसका मतलब प्राइस है, तो इसमें कुछ तो खास होगा ना। वेरियंट आता है गूगल पिक्सल एक्सेल का 4GB 128GB, और इसका जो कैमरा है ये फ्रंट कैमरा जो है 8 MP का आता है, बैक कैमरा जो है 12 MP का। तो मैं एक एक करके फोटो खींच के दिखाऊंगा कि फ्रंट कैमरा में कैसा फोटो आता है और बैक कैमरा में हमको कैसा फोटो आता है। और स्पेशली एक स्पेशल फोटो मैं लेके दिखाऊंगा, वो लो लाइट फोटोग्राफी, लो लाइट में कैसा ये परफॉर्मेंस देता है, इसके ऊपर भी हम देख के इसका कैमरा का रेटिंग भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक एक करके रेटिंग, पहले हम फ्रंट कैमरे का टेस्ट लेते हैं। उसके बाद हम, जैसे आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा इतना खूबसूरत फोटो आया है, अब देखते हैं इसका बैक कैमरा में कैसा फोटो देता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लाजवाब इसका बैक कैमरा है, जैसे सोनी का कोई DSLR जैसा कैमरा है। और हम एक इसका सबसे कड़ा इम्तिहान, जैसे बोलते हैं इसका लो लाइट टेस्ट, जिसमें बहुत सारा फोन फेल हो जाता है, ठीक है, उसका टेस्ट करने वाला है। देखते हैं गूगल इसमें खरे उतरता कि नहीं। कम ऑन गूगल, आई एम सपोर्टिंग गूगल नाउ। होल्ड मी क्लोज टिल आई गेट अप, टाइम इज बेली ऑन आवर साइड, आई डोंट वांट टू वेस्ट व्हाट्स लेफ्ट, द स्टॉर्म्स वी चेस आर लीडिंग। दोस्तों इसकी बात की जाए इसकी सॉफ्टवेयर की, इसका सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड का सबसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉइड 10 यूज़ किया। हालांकि पुराना फ़ोनों में आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 9 एंड्रॉइड 5 यूज़ किया हुआ है, लेकिन इसका सबसे लेटेस्ट एंड्रॉइड 10 है। और इसका गेम स्मूथनेस, इसका सॉफ्टवेयर जो स्किल, मतलब जो सॉफ्टवेयर स्मूथनेस का है, ये भी बहुत अच्छा है। जैसे आप देख सकते हैं कैसे इसको कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और इसका फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट भी बहुत स्मूथ है इसका फिंगरप्रिंट। तो जितना मैंने यूज़ किया उसी हिसाब से मैं अपना रिव्यू रखा और आपको बोला है कि ये इसका रिव्यू मैंने आपको बताया। तो अगर आप लोग 13,000 में इसको यूज़ करना चाहते हो, 13,000 में कैसे गूगल पिक्सल एक्सेल का व्यवहार करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, तो आप तुरंत जाइए वहाँ से खरीदिए। और टू गुड के बारे में मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, कैसे 70,000 का फ़ोन मुझे 13,000 में मिला, टू गुड ऐप्स क्या है और टू गुड मुझे कहाँ से मिला, उसका रेफरेंस क्या है, और वहाँ से कैसे प्रोडक्ट, हम इतना अच्छा प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारा प्रोडक्ट है, उसमें से हमको अच्छा देखना है, अच्छा चूज़ करना है, तो उसका हर एक ट्रिक मैं बताने वाला हूँ आपको। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और वर्चुअल टेक के साथ। थैंक यू।